बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इस्मरा खालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। पुदीने की चटनी की रेसिपी है ये आप पकोड़ों के साथ बना सकते हैं। और इसमें मैंने गुड़ ऐड किया है। गुड़ सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिया है, सबसे पहले एक गड्डी ली थी मैंने पुदीने की। चार से पांच, अगर बड़े लहसुन हैं तो आप चार पांच ले लें, छोटे हैं तो आप छह सात ले सकते हैं। चार मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें हम इसमें कम डालते हैं क्योंकि थोड़ी मीठी चटनी बनती है। यहाँ एक गुड़ का पीस लिया है मैंने छोटा। नमक भी आप इसमें कम ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। इसके बाद मैंने एक ग्राइंडर लिया है, आप हैंड ब्लेंडर भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप चटनी बनाएं। उसमें मैंने यहाँ पुदीना ऐड किया है, हरी मिर्ची, लहसुन, ज़ीरा, नमक, गुड़, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे हमने सारे ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद हम एक से दो मिनट तक हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, आप इसको खाएं, ये आपको बहुत मज़े की लगेगी। आप इसको पराठों के साथ ज़रूर बना के खाएं। आप आलू के पराठे बनाएं, दाल के पराठे बनाएं, आप किसी भी पराठे के साथ बना सकते हैं इसको। आप पकोड़ों के साथ इसको खाएं, बहुत ज़बरदस्त जायका देने वाली चटनी है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।